हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में, जो कि आप सभी लोगों के लिए निकल के सामने आ चुकी है, जहां पर सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया और कह दिया है कि आप सभी के खातों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता आने वाली है और इसके लिए आप सभी का नाम इस सूची में होना चाहिए। तो अभी हम आपको बताएंगे कि आप इस सूची में अपना नाम कैसे चेक कर पाएंगे और आप किस प्रकार से 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता का फायदा उठा पाएंगे। तो यदि आप ये संपूर्ण जानकारी इस योजना के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिख रहे घंटी के निशान को यानी कि बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, ताकि आपको आगे भी आपके काम कर इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि आप सभी के खातों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता किस प्रकार से आने वाली है। तो बिहार की नीतीश सरकार ने जो है आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा की और आप सभी को आर्थिक सहायता के साथ ही राहत दी है, जहां पर बिहार में 10 जिलों के बाढ़ प्रभावित परिवारों को जो है 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलने वाली है। और नीतीश सरकार ने सूची तैयार करने के निर्देश और आदेश जारी भी कर दिए। तो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर बिहार में बाढ़ आ चुकी है और बिहार में अब बाढ़ग्रस्त इलाकों के हर एक प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिलने जा रही है, जहां पर सरकार की ओर से जो है सभी परिवारों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। और साथ ही बाढ़ के कारण जिनका कच्चा पक्का मकान टूट चुका है या फिर जिनकी फसल बर्बाद हो चुकी है, उन्हें भी सहायता मिलेगी। और इसके अलावा पशुओं का नुकसान होने पर भी सरकार की तरफ से सहायता मिलने वाली है। और सरकार ने जो है प्रभावितों को सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने जो है सभी जिलों को अविलंब सूची तैयार करने का आदेश जारी किया और कहा दिया है। तो अभी जो है बिहार में 10 जिलों में बाढ़ आ चुकी है, यानी कि 10 जिले अभी बाढ़ से प्रभावित है। और ऐसे में बिहार के जो 10 जिले वह आए सीतामढ़ी, सीवर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, पूरी और पश्चिमी चंपारण। और इन जिलों में जो है 6.36 लाख से भी अधिक आबादी है और इन प्रभावितों को सहायता देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाने का आदेश जिलों को दिया है। तो विभाग ने कहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाके के सभी परिवार को जो है सहाय अनुदान यानी कि GR मदद दी जाएगी और 6,000 रुपया दिया जाएगा। और इसके लिए प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की जा रही है और सूची तैयार करते समय जो है प्रभावितों का नाम पते के साथ ही बैंक खाता भी लिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सभी को 6,000 रुपए की नकदी सीधे आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि आपकी सहायता कोई बिचौलिया न खाए, यानी कि बिचौलिया यहाँ पर आप सभी की सहायता के बीच में न आ पाए। इसी को लेकर भी पूरी तरह से सावधानी बरती जाएगी और आप सभी के खातों में DBT के माध्यम से 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और वहीं दोस्तों, टूटे हुए मकान और फसल नुकसान का भी ब्यौरा तैयार करने को कह दिया यहां पर जो है सरकार ने, और बाढ़ग्रस्त इलाकों में अन्य नुकसान में भी जो है लोगों को सरकार सहायता देने जा रही है। तो आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि फसल क्षति से लेकर जो है मकान और पशु नुकसान में भी सहायता का प्रावधान है और जिलों को कहा गया है कि वह क्षतिग्रस्त जो है मकानों के साथ ही फसल नुकसान का भी ब्यौरा तैयार करें और फसल नुकसान का विवरण कृषि विभाग के माध्यम से तैयार किया जाएगा। और विभाग ने यथासंभव प्रभावित जो है यहाँ पर सूची बनाने को कह दिया है, ताकि लोगों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता की राशि यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सके। और वहीं बाढ़ में जिनका गाय, भैंस, बकरी से लेकर मुर्गा का नुकसान हो चुका है, उन्हें भी सरकार सहायता देगी। और कपड़ा और बर्तन के नुकसान होने पर भी सभी परिवारों को सहायता मिलेगी। तो किस प्रकार से आप सभी को कितनी सहायता मिलेगी, चलिए आपको लिस्ट के माध्यम से बता देते हैं। तो यदि आप यहां पर जो है बाढ़ में रह रहे, यानी कि यदि आपके इलाके में बाढ़ आ चुकी है, तो आपको यहां पर परिवार के माध्यम से 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। और वहीं यदि आपको कपड़ों का नुकसान हो चुका है तो 1,800 यानी कि 1,800 रुपया मिलेगा सरकार की तरफ से। और वहीं बर्तनों का नुकसान हो चुका है तो 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता
सहायता मिलेगी। और वहीं यदि आपकी फसल का नुकसान हो चुका है तो आपको 6,800 प्रति हेक्टर के माध्यम से फसल के नुकसान के लिए भरपाई का यहाँ पर राशि मिलेगा। और 30,000 प्रति गाय भैंस के माध्यम से भी आपको रुपया दिया जाएगा, यानी कि यदि आपकी गाय भैंस मर चुकी है यहाँ पर बाढ़ की वजह से तो 30,000 रुपया आपको मिलेगा प्रति गाय भैंस पर। और वहीं दोस्तों यदि आपकी बकरी भेड़ सुअर मरा है तो यहाँ पर 3,000 रुपया प्रति यहाँ पर मिलेगा। और वहीं दोस्तों यदि आपका घोड़े का नुकसान हो चुका है तो 25,000 रुपया प्रति यहाँ पर घोड़े पर मिलेगा। और वहीं दोस्तों मुर्गे का नुकसान होने पर 50 रुपये प्रति मुर्गा और अधिकतम जो है 5,000 रुपया मिलेगा। और वहीं दोस्तों कच्चा पक्का मकान नुकसान होने पर आपको जो है 95,100 रुपया मिलेगा। और वहीं दोस्तों यहां पर मकान का यहां पर जो है पक्का आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आपको 5,200 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। और कच्चे मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर आपको जो है 3,200 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। और वहीं झोपड़ी पूरी तरह से टूट जाती है यानी कि पूर्ण रूप से नुकसान हो जाता है झोपड़ी का तो आपको 4,100 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। और जानवर के शेड नुकसान होने पर आप सभी को 2,100 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। ये बिहार सरकार ने प्रावधान कर दिया और बिहार सरकार की ये बहुत ही बड़ी घोषणा आप सभी के लिए आ चुकी है जिसके तहत आप सभी को आर्थिक सहायता मिली है। और आप सभी के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने अपना खजाना भी खोल दिया है। तो दोस्तों इस सब प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए निकल के सामने आई थी बहुत ही बड़ी खुशखबरी के रूप में और बहुत ही अच्छी खबर के रूप में। तो यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी पसंद आ चुकी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप आगे भी इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और साथ ही भारत माता की जय।